बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने रेड छापेमारी की है। रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने पहुंचे हैं। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी अफसर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है और उन्हें इसकी सूचना सूत्रों से मिली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने निकल कर आया है। इसके बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग से जुड़ने की बात को परत दर परत खोलना शुरू किया। पिछले महीने रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियला के भाई एजिस्लॉस डेमेट्रेस को ड्रग्स के केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एजिस्लॉस डेमेट्रेस के पास से हैसिस और एल्प्रोजोलम की टैबलेट्स मिली थी। ये दोनों ही चीजें नार्कोटिक्स की तरफ से बने हैं। एजिस्लॉस का कनेक्शन ओमेगा गॉडविन नाम के व्यक्ति से भी बताया गया था, जो मुंबई में कोकीन सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार हुआ था। ओमेगा गॉडविन के नाम लेने पर एजिस्लॉस डेमेट्रेस को गिरफ्तार किया था। इस बात की पुष्टि जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी। रविवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर भी रेड मारी थी। खबर है कि फिरोज के घर से एनसीबी को कुछ ड्रग्स बरामद हुए हैं। इस रेड के समय नाडियावाला अपने घर पर उपस्थित नहीं थे। बता दें कि ड्रग्स के केस में रिया चक्रवर्ती समेत लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया को अक्टूबर में बेल दे दी गई थी। उन्होंने 28 दिन जुडिशल कस्टडी में बिताए हैं। रिया से पहले उनके भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। वह अभी भी कस्टडी में है और उनकी बेल की अर्जी खारिज हो चुकी है।